फ्रेंडशिप डे स्पेशल में आज मेरे साथ दो ऐसे लोग हैं जिनकी फ्रेंडशिप बहुत सालों से नहीं हुई है, बहुत छोटी ही, वो 3-4 महीने से ही हुई है और ये लोग एक कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो में मिले थे। बट मैं बता दूं कि इनकी फ्रेंडशिप की तारीफ खुद सलमान खान ने भी की है और अब आपको पता चल गया होगा कि ये कोई और नहीं बल्कि दीपक और सोमी है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू सो मच। आपको भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू। सबसे पहले बताइए आप लोगों की दोस्ती चल कैसी रही है, खटपट है या अभी एकदम स्मूथ दौड़ रही है? एकदम दौड़ रही है। एक्चुअली मुंबई लोकल की जैसे कभी खटपट भी होती रहती है, यहाँ पे बारिश जैसे होती है ना, मौसम खराब, हमारा भी मौसम खराब होता रहता है आपस में, बट चलता रहता है। दोस्त है और मतलब एक होता है ना कि दोस्त है और फिर झगड़े नहीं तो कैसे चलेगा, राजी हो जाए फिर कैसे चलेगा, फिर ये तो लगेगा कि जैसे कि हमको कोई काम की तलाश है, किसी को चेड़ी मार रहे हैं, मार रहे हैं, वो वाला, तो वो अपने दोस्ती वाली बात है। इट्स ऑल गुड एज ऑफ नाउ। फॉलो अनफॉलो चलते रहता है, झगड़ा होते चलते रहता है, छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी बातें। ओके, तो हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे कि कहाँ से शुरुआत हुई और कब आपको लगा कि आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, बिकॉज फ्रेंड्स इतने इजी नहीं होते हैं फ्रेंड्स बनाने, उसमें भी थोड़ी क्वालिटीज होनी चाहिए। ये सब बिग बॉस की कृपा है। नहीं, एक्चुअली हम जब मिले थे इनिशियली बिग बॉस के घर में, तो वी हैड अ फाइट, अ लॉट ऑफ, लेकिन हम हर बात पे आर्ग्यूमेंट हो जाना, लड़ना, अग्री नहीं करना एक दूसरे की बात पे। जब धीरे धीरे हमारा हैप्पी क्लब बना और फिर इसको लगा कि हम इंसान अच्छे हैं, बोलो तारीफ करो। हाँ हाँ, इसको लगा कि ये मेरे बिना उस घर में सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसका ख्याल कौन रखेगा। सो या फिर हमारी फ्रेंडशिप वहाँ से शुरुआत हुई, हमारी फ्रेंडशिप की ख्याल रखने के लिए फ्रेंडशिप, वो आलू के पराठे। अच्छा 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 अच्छा, क्या क्या था तुम्हारा वो डिश? और एक वो था वो जो दाल वाला। तो तब से एक्चुअली क्या, बिग बॉस के घर से हमारी वो जर्नी स्टार्ट हुई फ्रेंडशिप की, जहाँ हम एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, चाहे मैं खाना बनाती थी या ये भी यू नो मैं बीमार हूँ तो मेरी मेडिसिन का ख्याल, मेरी चीज़ों का ख्याल, सो लुक्स आफ्टर मी वेरी वेल इन द हाउस। तो ऐसे वहाँ से हमारी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग हो गई। और ये पराठे वराठे वाले क्या चक्कर है? हाँ, ये आलू के पराठे बनाती थी और एक कौन सा वो डिश था तुम्हारा? एक मैं राइस बना, एक्चुअली मैं बिग बॉस के घर में उसके बाद से आज तक नहीं बना, इतना भाव खाते नहीं, बस एक वो डिश बनाने के लिए, क्योंकि वो डिश बहुत 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 ज्यादा स्वादिष्ट था। मतलब इतना अच्छा था कि वो पता नहीं क्या उसमें, मतलब वो बहुत, मतलब एक अलग ही था। इसका मतलब ये है कि आई एम अ वेरी ग्रेट कुक, ग्रेट, और मैं खाना अच्छा बनानी थी तो मैंने सबको बहुत खिलाया, स्पेशली इनको और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, सबको बहुत अच्छा खाना बना के खिलाया। अच्छा बनाती थी तो वही वो मिस करते बाहर आने के बाद। ऐसा नहीं है, हमने खाना मैंने बनाया तो खिलाया, बट वो डिश नहीं खिलाई जो मैं खिला दूंगी। मुझे अभी एक चीज याद आ रही है कि खाने बनाने वाली जो क्वालिटी होती है लड़कियों को देख कर, वो गर्लफ्रेंड याद आती है, यहाँ पे फ्रेंडशिप कैसे हो गई? नहीं ऐसा बात नहीं है, खाना तो मम्मी भी बनाती है, बहन भी बनाती है, बट वो जो मम्मी और बहन का छोड़ के जो पीस है, फ्रेंडशिप डे स्पेशल पे बात कर रही है। आपने जो क्वालिटी बताई वो थोड़ी डाइवर्ट हो गई। अगर दोस्त को अगर जरूरत है किसी चीज की और वो बिग बॉस का घर है तो बिग बॉस चाय बनाने थोड़ी आएंगे। ये बात भी सही है, तो वहाँ पे आपको और कुछ नहीं दिखा, तो वहाँ पे जो लोग है वही खाएंगे ना। दीपिका जी भी बनाती थी, दीपिका जी बनाती थी, लेकिन रोमिल ने भी ऑमलेट बनाए हैं। रोमिल ने भी कुक किया है हमारे लिए, इवन दो दीपक भी चाय बनाते थे, श्री भाई बनाते थे, वो कौन सा वो उनका विदेशी फूड था एक, फ्राइड राइस समथिंग कुछ वो, तो हम सब बना देते हैं एक्चुअली, हम तो लेकिन हाँ मैक्सिमम टाइम से मेरे पहली बार कुक कर रहे थे वहाँ। एक्सेप्ट कर लो कि सबसे अच्छा तुम्हें मेरे हाथ का खाना लगा था और सबसे ज्यादा तुमने मेरे हाथ का बना खाया है। हाँ। इसी से समझ जाइए कि सबसे ज्यादा काम यही करती थी बिग बॉस घर में, सबसे ज्यादा मतलब झाड़ू मारना और क्या क्या था तुम्हारा? झाड़ू ये मारता था, खाना मैं बना, मतलब मेरा प्याज काटते थे हम सबसे ज्यादा, 12-15 प्याज और 8-7-8 टमाटर, मतलब सीधे ऐसे दीपक 15 प्याज और 10 टमाटर काट दो ऑर्डर प्लीज। हाँ, क्योंकि उस घर में इतने सारे लोग, खाना भी इतना बल्क में बनता था, जैसे रोज दावत हो रही हो और तो अकेले कुक करना इम्पॉसिबल, और चॉपिंग ये बहुत अच्छा करता था, तो फिर और भगवान से मना देते कि भगवान आज को ये ना बोले कि हमको प्याज के पराठे खाने क्योंकि प्याज के पराठे मतलब 15 प्याज और उसमें फिर टमाटर और फिर लेकिन ये शॉपिंग अच्छा करता, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि किसी के घर से बुलाइए, सब लोग बुलाइए हमको, कोई फंक्शन हो, कोई दावत हो तो दीपक अवेलेबल है शॉपिंग करने के लिए। और अगर आपके घर में खाने वाने बनाने मतलब गेस्ट आ रहे हैं तो ये जो बगल में इतनी अच्छी दोस्ती है बहुत ज्यादा। ओके, बट आप लोगों की दोस्ती की चर्चा सलमान खान ने भी की थी, आई रिमेम्बर, वो भी काफी तारीफ करते थे। सो आई मीन एक छोटे टाइम के लिए आप लोग मिले,
बट आप लोगों ने इतनी अच्छी अपना अपना बीच में अपने इतना अच्छा रैपो दिखाया कि सबने तारीफ की. सो वाज दैट. देखिए दोस्त वही होता है कि एक ऐसे गलतियां मेरे से भी हुई बिग बॉस में जी. बहुत जहाँ पे कोई मेरे फ्रेंडशिप पे क्वेश्चन उठा सकता है कि यार तुम्हारी दोस्त थी तो तुमने ऐसे क्यों किया. ठीक है, तो हम भी हर्ट हुए, ये ज़्यादा हर्ट हुई मेरे बिहेवियर से. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दोस्त वो होता है जो इन चीज़ों से ऊपर उठे और एज ए पर्सन आपको समझे कि आप कैसे हैं कैसे नहीं हैं, और मतलब दोस्त बनाने लायक इंसान है कि नहीं. क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि दुश्मन का तो आपको पता है कि ये दुश्मन है, लेकिन दुश्मन की आड़ में कोई दोस्त है उसका आपको पता अगर नहीं है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा वो. एक्चुअली ही वॉज वेरी नाइस टू व्हाट वी वर लाइक आई मीन हमारी दोस्ती इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों हुई, क्योंकि हम खाना वाना ये सब तो मस्ती है ठीक है, लेकिन जब भी सिचुएशन बहुत टफ होती थी उस घर के अंदर जहाँ आपको आपके क्लोज फ्रेंड्स चाहिए या कोई ऐसा चाहिए जो आपका साथ दे सके, तो ही वॉज ऑलवेज देयर. तो इन्होंने काफ़ी साथ दिया. थैंक्स की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, ये मेरा और मैंने इनका काफ़ी साथ दिया. तो एक दूसरे का साथ देते देते ये दोस्ती इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई. दीपक मतलब तारीफ के बहुत पहले दीपक से पहले दीपक बताएगा और फिर मैं नाप तोल के बताऊंगी. स्ट्रगल का स्टोरी पहले हम बताए तो उसी हिसाब से अब तुम बताओगे. अभी नहीं, अभी दीपक क्या है, ऐसे नहीं होता है. अब आप लोग डिसाइड कर लो, आप ही लोग टॉस होगा. अच्छा ये टॉस से घंटा याद आया, बिग बॉस में एक टास्क चल रहा था, हम और रोमिल दोनों थे. तो मेरा एक तो रोमिल और दीपक, ये दो मेरी इतनी दुविधाएं रही है ना बिग बॉस के घर के अंदर कि मैं किस तरह जाऊं. दोनों मेरे दोस्त, दोनों मेरे लिए बहुत स्पेशल, और एक सिचुएशंस भी ऐसी आ जाती थी जहाँ मुझे एक का साथ देना पड़ता था कभी कभी, और दोनों मुझे ऐसे गुस्से में देखते थे कि किसका साथ देगी. और ये यू नो कि ये भी ही वॉज वेरी थ्रू आउट वेरी केयरिंग, नॉर्मल हैज बीन वेरी केयरिंग. सो इतनी मेरे लाइफ में उस टाइम कन्फ्यूजन बिग बॉस लाइक स्कूल डेज ना जहाँ पे तीन फ्रेंड्स हैं. अब एक फ्रेंड को अगर डिसाइड करना है किस तरफ ज़्यादा जाना है तो फिर वो ना दो फ्रेंड्स नाराज हो जाएंगे. वो दुविधा मेरी लाइफ में थ्रू आउट, और अभी भी दीपक के फैंस हो या रोमिल के फैंस मुझे टॉर्चर करते हैं समटाइम्स, प्यार में प्यार वाला टॉर्चर कि यू नो आप ज़्यादा रोमिल के साथ रहिए तो, या दीपक के फैंस हैं आप ज़्यादा दीपक के साथ रहिए. तो ये सिचुएशन मेरे लाइफ में बिग बॉस से लेके अब तक नहीं ख़त्म हुई है. तो चलिए पाँच इनकी जरा बता दीजिए जो आपको पसंद नहीं है. मुझे पसंद नहीं है, हाँ मुझे इसकी चीज़ें ये पसंद नहीं है कि ये गुस्से में तुरंत ऐसे रिएक्शन दे देता है, जैसे कि अनफॉलो करना. इसने दो बार कर दिया. ओके, मैंने कहा कि ठीक है व्हाटएवर हैपेंस ये हमारे बीच में है, दुनिया को क्या दिखाना. ये वैसा है कि नहीं, मतलब ठीक है जाओ बात नहीं करनी, अनफॉलो कर दिया. तो वन थिंग हमारा क्या है कि हमको बर्दाश्त नहीं होता. जैसे एक होता ना, जैसे हम हमारे बीच में कुछ हुआ, जैसे किसी पर्टिकुलर चीज के लिए इनका अलग नजरिया मेरा अलग नजरिया हुआ, उसमें बहस हो गया, झगड़ा, शॉर्ट टेंपर्ड कर, हाँ शॉर्ट टेंपर्ड वी बोथ आर समहाउ, और झगड़ा हो गया फिर, और फिर ठीक है हम बात नहीं करेंगे, ठीक है मत करो बात, बात खत्म, अनफॉलो हो गया. अब बात नहीं करना है तो फिर क्या एक दूसरे को फेक बन के झूठ मूठ का फॉलो करना, वो तो दिखावे के लिए हो गया ना बार की दुनिया में. लेकिन मुझे पता है कि बात अभी नहीं करेंगे, वो कुछ टाइम है फिर फ्रेंड्स से घूम फिर के वापस, उस समय की बात तो फिर घूम फिर के वापस बात होनी है. जैसे हम कितनी बार लड़ चुके हैं, अनफॉलो कर चुके हैं, आज भी इकट्ठे हैं साथ, तो वही चीज होनी है. तो क्यों फिर बाहर, यू नो घर में लड़ाई होती तो दुनिया को क्यों दिखाना. वही बात है, नहीं वो बात सही है, हम मतलब कि एक्सेप्ट करते हैं कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, कि वो आदमी हो जाता है वो चीज. लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है ना कि हम जैसे इस बार हुआ, सारी कमियां बताने लो तो एक साथ एक्सप्लेन करना था सारे, हां मीडिया वगैरह पूछने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ, ये हम उसको बोल दिए कि भाई ये लड़का इतना नालायक है. मेरे पास आया मीडिया कॉल, आपने मतलब पहले तो मुझे फर्स्ट टाइम अनफॉलो किया था, सबके लिए बहुत बड़ी बात हो गई. सोमी दीपक ने एक दूसरे को अनफॉलो किया, तो मीडिया कॉल आया, क्या बात हो गई. मैंने कहा आई डोंट वांट टू कमेंट इट, ये मैं हमारा पर्सनल है और हमारा मैंने करके खत्म कर दिया. हम भी यही बोले थे, और जनाब का पता चलता है इन्होंने पूरी कहानी बता दी कि वो मुझसे लड़ाई कर रही थी, फिर मेरी लड़ाई हो गई, फिर हमने अनफॉलो कर दिया. मैंने कहा ये सबको कैसे पता. वो क्या ना, बार बार वो हमको फोन कर रहे थे और हम कहीं जा रहे थे, और बार बार मतलब कि 12-15 बार फोन आ गया. हम बोले भाई ये ऐसे छोड़ने वाले नहीं है,
हम कहे कि जो बात था वो बात हम बता दी कि हम उनको अंदर तक पूरा नहीं बताए कि ये बात हुई ये बात हुई। हम बोले कि हम दोनों के बीच में अनबन हो गया, झगड़ा हर दोस्त में होता है, दोस्त में हुआ झगड़ा, हम लोगों ने अनफॉलो कर दिया, फिर बाद में शॉर्ट आउट करने में क्या दिक्कत है, छप गई खबर, उसमें दिक्कत कुछ नहीं, खबर तो छपनी है। ओके पॉइंट नंबर टू, ये चीनी बात मैं बिग बॉस का बताऊंगी, मुझे बहुत बुरा लगता था, हमारे राशन कम आता था, ज्यादा बुराई नहीं कर रही हूँ मैं, तुमने की तो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगी इसके बारे में। और ये इतनी चीनी खाता है, इतनी चीनी हमें बहुत कम मिलती थी खाने में, और मैं इसको कहती भी हूँ इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ व्हिच इज वेरी बैड हैबिट, तो इसको चीनी कहते हैं। खुश देखे बंदर हम लोग चीनी पे थे, चीनी पे थे। अरे हिंदी अब यही बुराई करेगा, अभी मैं नहीं करने वाली इसकी बुराई, मैं इसको बुराई के काबिल भी नहीं समझती हूँ। अनफॉलो अगेन, चलो अनफॉलो, फोन लाऊं क्या किधर, मेरा फोन खराब हो गया। I want to say one thing for sure. Please. ये इतना खराब इंसान है, मैंने मतलब कैसा दोस्त है, मैंने इसका बहुत साथ दिया है, पर ये कभी इस चीज़ को मानता ही नहीं, समझता ही नहीं है, अगर साथ नहीं दिया होता तो आज भी हम साथ नहीं होते, पर ये चीज़ मानने को रेडी नहीं है। ये तो साथ नहीं दिया तो साथ नहीं होते, अभी इंटरव्यू तुम भी दिखोगी, तुमने कहा ना कि साथ नहीं दिया, तुमने कहा ना तो हम बिग बॉस की बात कर रहे हैं, तो बिग बॉस एज ए ना साथ है एज ए फ्रेंड, क्योंकि नहीं थे साथ थे, लेकिन कुछ 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 जगहों पे जब आपको किसी दोस्त की जरूरत होती है फेवर करने की, जहाँ पे आदमी फैमिली में सबसे ज़्यादा जिससे आप क्लोज होते हैं उससे एक्सपेक्ट करता है आदमी, तो उन जगहों पे हमको कभी कभी लगा कि आपने मेरे साथ नहीं दिया, तो हम ये बोले हैं। रोमल के साथ चली गई क्या? हाँ क्या? हाँ, कि एक बार वो था, मैंने कहा ना ये रोमल और दीपक का मैं फंस चुकी हूं, एक टास्क हुआ था, एक्चुअली बिग बॉस खत्म हो गया, 6-7 महीने हो गए बिग बॉस का, तो वो उस समय का था वो चीज, और अभी तो हम इस पे बात। अच्छा ये छोड़िए, आप बताइए कि यू गाइस आर ओनली फ्रेंड्स या मोर देन फ्रेंड्स? नहीं सिर्फ दोस्त हैं, विशुद्ध दोस्ती है हमारी, सर पक्का वाली पक्का एकदम, दोस्ती होगी तभी अच्छा रहता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक ही साइड होना चाहिए, तो दोस्त या लवर, तो वी आर गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छा दोस्त। ओके बट वो था सिंगल या हां नहीं मिला? नहीं, क्या जरूरत खोजने, अभी ना क्या है हम लोग का सारा खर्चा बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ जाता है, मुंबई में हो आप ऊपर से रूम रेंट दो, फिर उनका ब्रोकरी और क्या-क्या मिला के, फिर राशन पानी, और अब तो बिग बॉस में आ गए तो सबसे मेन प्रायोरिटी होता है कि घर में कुछ आए ना, एसी आ जाए, सोफा आ जाए, ताकि कभी पार्टी वार्टी करे तो लोग बाहर से आए तो देखें कि इसके घर में एसी है कि नहीं। अच्छा स्टेटस तक हम लगाए नहीं, वाली बात हो जाएगी, हम लगाए नहीं अभी तक ये सारी चीजें, लेकिन तब भी एक होता है ना, तो खर्चा ऑलरेडी यहाँ पे इतना है, कौन अपना सिंगल से डबल हो। आपका रीजन क्या है? मेरा रीजन ये है कि अभी मेरा फोकस मेरा काम है, सो करियर है, प्यार होना होगा हो जाएगा, रिलेशनशिप में आना होगा हो जाएंगे, वो कोई प्लान नहीं करता है, वो अपने आप हो जाता है, और फिलहाल माय फोकस इज माय वर्क, बस काम करिए, नाम करिए, जो माँ बाप ने स्ट्रगल करके आपको यहाँ तक पहुँचाया है उनको वापस कीजिए, उनकी इज्जत में बढ़ावा दीजिए जी, बिल्कुल, बस अपना फालतू का दिमाग इधर उधर नहीं लगाना। हाँ, आपको भी मैं यही सलाह दे, ये हम अपने लिए कह रहे हैं भाई, हम अपने लिए कह रहे हैं, तुम अपना देखो, तो इसने क्या कहा कि इसको प्यार होगा ना होगा हो जाएगा, हमको करना ही नहीं है, हमको बस माँ बाप को देखना है, हम समझ गए दुनिया में बस यही सब है, बाद बाकी मोह माया है, सबसे दूर रहो। तो इसका एक प्लानिंग है, इसको शादी करने का बहुत शौक है, इसको बार बार कितनी बार नहीं होता है, तो फिर प्यार नहीं करना, शादी भी करनी, शादी के बाद वाला प्यार होगा, शादी के बाद वाला प्यार, अच्छा ठीक है, कायदे से भी शादी होता है, तो क्या प्यार करने वाला शादी कायदा नहीं होता है? नहीं मतलब माँ बाप के हिसाब से, तो माँ बाप के हिसाब से तुम्हारे हिसाब से शादी तो शायद ही कायदा ही होता है। नहीं तुम नहीं समझ पा रही हो, तुम गलत बात, उनका कहने का मतलब है पहले शादी होगी फिर प्यार होगा, वो पहले वो प्यार होगा शादी नहीं होगा, है ना, नो ब्रेकअप, नो, अभी वो टिपिकल बातें करता है, टिपिकल बातें, शादी के टाइम अभी बहुत लंबा समय है, अभी मेरे से छोटी मेरी दो बहन जिसका हमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके ऊपर, अभी करने के बाद एक बहन की शादी, और अभी इनसे भी बड़ी सबापी है, फिर और एक और बड़ी है, दो बड़ी बहन है, अभी से प्यार व्यार के चक्कर में पड़ेगी क्या दिक्कत, घर पे एंट्री बंद हो जाएगा इसका कि बड़ी दो बहन है, तुम बाहर प्यार प्यार खेल रही हो,
तो इसलिए थोड़ा सा अभी तुम्हारा एंट्री इसलिए बंद हुआ था क्या घर पे बिग बॉस के बाद? मेरा एंट्री कभी बंद नहीं हुआ. चलिए, बहुत मज़ेदार इंटरव्यू रहा आप लोगों का. थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आपके आपकी दोस्ती से इंस्पायर होके काफ़ी लोग ऐसे ही फ्रेंड्स बने. और बिल्कुल हमारे ऐसे ही चलता है, हमारा ऐसे ही चलता रहता है. ओके, थैंक यू सो मच.